नम बुद्धाय जय भीम साथी और कैसे आप सभी लोग मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी जैसा कि आप सभी लोग जानना है कि हम लोग के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास क्या करें चल रहा है ये के लिए हमारा कंटिन्यू क्लास चल रहा है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें क्या है कंप्लीट कर ली हैं अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले पिछला वीडियो सारा देख लीजिए जिसमें हमने क्या है हिंदी मैथ पर्यावरण इन सब की पैडोगी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें पर्यावरण का क्या है विषय वस्तु भी हमारा क्या है कंप्लीट हो चुका है एनसीएफ आर टी एन ई पी ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है आप लोग इसको देख लीजिए और आज ये हमारा लगभग क्या है सातवां या आठवां लेक्चर हमारा होने वाला है साइकोलॉजी का जिसमें है। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा हमारा आज होने वाला है इसके पहले हमने क्या है विकास वृद्धि विकास पढ़ा वृद्धि पढ़ा हमने क्या पढ़ा अवस्था जिन पे आज वाइगोस की लॉरेंस कोहलबर्ग ये सारा क्या है, हमारा कंप्लीट हो चुका है आज ये हमारा होने वाला है प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू आप बने रहिए तो भैया जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है ना आप लोगों को जो हमने एन पढ़ाया था तो एन में बहुत बेहतर तरीके से हमने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें बालक को केंद्र में रखें बालक को केंद्र में रख के बालक के रुचि के अनुसार बालक के रुचि के अनुसार क्या, क्या करना है आपको पढ़ाना है बालक की रुचि हो तभी आपको क्या करना है पढ़ाना है अगर बालक के अंदर रुचि नहीं है तो आपका कर्तव्य बनता है एक अध्यापक होने के नाते कि पहले बालक के अंदर क्या है रुचि पैदा करें जैसे ही बालक के अंदर रुचि पैदा हो जाएगी तब इसके बाद क्या है आप अपना शिक्षण विधि लगाइए रुचि पैदा करने के लिए जब रुचि पैदा हो जाए इसके बाद शिक्षा प्रदान कीजिए तब वो क्या है ज्यादा से ज्यादा उसको अर्जित होगा जब कभी भी कोई चीज सीखने के लिए जब हम अंदर से तत्पर होते हैं जब हमारी रुचि होती है तो उसको हम जल्दी से सीख लेते हैं और बहुत कम समय में और वो जो सीखते हैं ना वो हमें लंबे समय तक क्या होता है अस्थाई आप करके सिखाने पर क्या करें जोर दीजिए अगर बच्चा करके सीखेगा तो वो जो उसके द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान है वो अस्थाई रूप से रहेगा और लंबे समय तक तो इसलिए क्या है ज्यादातर क्या करना है करके सीखने पे जोर देना है एनसीएफ में हमने बोलोग एनसीएप हमने क्या है बहुत विधि तरीके से क्लियर आपको बताया और बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या होती है शिक्षा क्या है शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित को हम क्या और क्या कर सकते हैं बाल केंद्रित और हमने आपको बताया था कि एक शिक्षा केंद्रित एक बाल केंद्रित और एक हस्तक्षेप रहित शिक्षा हमने तीनों आपको बताया हुआ है तो बाल केंद्रित हो गया अब बाल केंद्रित को हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली क्या कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों के हित के लिए और राजतंत्रात्मक किसमें चला जाएगा शिक्षक केंद्रित में मतलब शिक्षक को केंद्र में रखेंगे तो राजतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक मतलब जो लोकतंत्रात्मक भी कह सकते हैं इसको जनतंत्रात्मक भी कह सकते हैं इसी को बाल केंद्रित शिक्षा भी हम कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा बालक को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्रात्मक लोगों को क्या है ध्यान में रखते हुए जनतंत्रात्मक जन मतलब होता है लोगों को ध्यान रख ध्यान में रखते हुए जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है लोकतंत्रात्मक जनतंत्रात्मक और इसी को हम कह सकते हैं कि आप बाल केंद्रित शिक्षा क्योंकि यहाँ पे बालक को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार सारी का और उसके उसके मानसिक क्षमता के अनुसार ठीक है उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे उसको करके सीखने पर क्या है आपको जोर देना है जब वो करके सीखेगा तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक उसका ज्ञान क्या होगा अस्थायी रूप से रहेगा और आपको इस तरीके से शिक्षा देना है कि जो एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरे जगह क्या करे काम आए बाल केंद्रित शिक्षा में यह भी होनी चाहिए कि आपको ऐसा ज्ञान आप मतलब ऐसी शिक्षा देनी है जिससे क्या है? वो व्यवसायिक रूप से बिके उसके लिए लाभदायक हो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के आपको शिक्षा देनी है उसके डेली लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उसको रिलेट करके आपको बताना है और उससे संबंधित करके करना आपको समझाना है तब क्या है बालक जल्दी सीखेगा और जो सीखेगा क्या है वो लंबे समय तक क्या होगा अस्थायी होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे एनसीएफ सी दो के अनुसार एन सी एफ के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों की आवाजों को बच्चों की आवाजों को और उनके अनुभवों को वरीयता देना मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का सेंस ये है कि अगर कक्षा अच्छा बच्चे हैं तो अगर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो उनको आपको डांट के बैठाना नहीं है और क्या करना है उनकी आवाजों को सुनना है उनके विचारों के उनकी आवाजों को सुनना है और उनके अनुभवों को क्या करना है वरीयता देना जो चीजें वो कह रहा है उसको आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और उसी पूर्व ज्ञान के आधार पे क्या करें जोड़ के आप अपनी शिक्षा को क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे बच्चों की आवाजों और उनके अनुभवों को वरीयता देना है अर्थात शिक्षण विधि जो शिक्षण विधि और जो विषय वस्तु हो या जो शिक्षण सहायक सामग्री हो ये सारी चीजों का जब हम चयन करेंगे ना तो बालक को रुचि में ध्यान बालक की रुचि को ध्यान में रखते हुए तो बालक की रुचि पूर्ण ज्ञान उम्र ग्रहण शक्ति आदि को वैरता देना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता के है मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि बच्चा जो है एक तरह से क्या है आपका बाप है एक तरह से क्या है वो आपका बाप है भैया वो जो कहेगा अगर उसकी रुचि है तभी तो आप पढ़ाएंगे रुचि नहीं तो आप नहीं पढ़ाएंगे आप ये कर सकते हैं कि उसके अंदर रुचि पैदा कर सकते हैं और उसके रुचि के आधार पर ही क्या करेंगे आप अपने शिक्षण विधियों को अपनाएंगे अगर वो साइंस नहीं पढ़ना चाहता है तो साइंस को हटाइए मैथ पढ़ना चाहते है तो मैथ पढ़ाइए और मैथ से रिलेटेड जो शिक्षण सहायक विधियाँ होती हैं उनका यूज करते हुए और जो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री लगती हैं उनका यूज करते हुए उसको और रोचकर बनाइए शिक्षण सहायक सामग्री क्यों यूज की जाती है ताकि विषय को और रोचकर बनाया जा सके जिससे बालक क्या हो आपके तरफ या उस विषय वस्तु की तरफ क्या हो आकर्षित हो हमने क्या ऐसे बताया कि किताबों में बड़े बड़े फिगर बनने चाहिए चित्र होने चाहिए और जो शब्द है बड़े बड़े लिखे होने चाहिए रंग बिरंगे होने चाहिए जिससे वो क्या करेंगे आकर्षित होंगे तो जो पाठ्य पुस्तक होगी वो उनके उम्र के अनुरूप होगी अब उनका जो एज है जो उनकी मानसिक क्षमता है उनके अनुरूप ही अब क्या विषय वस्तु का निर्माण करेंगे उनको ध्यान में रखते हुए उनके विपरीत आपको जाना ही नहीं है ठीक है तो क्या समझ में आया कि बच्चों के आवाजों को सुनना चाहिए और उनके आवाजों को क्या करना है वरीयता देना है फिर उन्हीं के अनुसार विषय उनके मानसिक क्षमता के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना है और उस विषय वस्तु में आप किन किन शिक्षण विधियों का यूज कर सकते हैं आपको चयन करना है और उसमें शिक्षण सहायक सामग्री क्या हो यूज होगी वो आपको क्या करना है चयन करना है जिससे विषय को और रुचिकर बनाया जा सके पाठ्य पुस्तक को और आसानी पूर्वक से क्या है समझा जा सके ये हमारा होता है भैया बाल केंद्रित शिक्षा उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आओ तो एनसीएफ में आप एक बार और देख लीजिएगा अच्छे समझ में पर हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से बताई बताइए आगे ये बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या होते हैं किस तरीके से आप सिखाएंगे किस सिद्धांत में कार्य करता है तो भैया व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिक विभिन्नता अभी कल ही हम लोग पढ़े हैं तो व्यक्तिक विभिन्नता में हमने बताया कि दो जुड़वा बच्चे के अंदर भी पाई जाएगी व्यक्तिक विभिन्नता अब व्यक्तिक विभिन्नता किसके आधार पर होती है लिंग के आधार पर भाषा के आधार पर जाति धर्म के आधार पर संस्कृति के आधार पर भी हो सकती है मानसिक क्षमता के आधार पर बुद्धि लब्धि के आधार पर क्या पोषण के आधार पर अनुवंशिकता के आधार पर वातावरण के आधार पर इसके आधार पर क्या व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाएगी तो कह रहे हैं कि जो शिक्षण विधियां भी है तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत इसमें यूज करना है कि आपकी जो शिक्षण विधियां है ना जो आपके शिक्षण विधियां हैं उसको आपको मतलब इस तरीके से आपको अपने शिक्षण विधियों का चयन करना है जिससे कि आपको सबको पता है हमने पहले ही बताया है कि दुनिया की बात नहीं करेंगे इंडिया की इंडिया का जो प्रत्येक विद्यालय है और प्रत्येक विद्यालय में जो प्रत्येक कक्षाएं हैं सब क्या है समावेशी कक्षाएं समावेशी का मतलब क्या होता है उसमें मंद बुद्धि बालक भी होंगे तीव्र गद्दी के भी बालक होंगे और मध्यम वर्ग के भी बालक होंगे उसमें सारे तरह के बच्चे होते हैं तो आपको ऐसी शिक्षण विधियां अपनानी है जिससे सबका काम हो जाए जैसे जो गधे हैं उनको भी समझ में आए जो मध्यम वर्ग के उनको भी समझ में आए जो क्या हैं सबको समझ में आना चाहिए आपको ऐसे शिक्षण विधियों का चयन करना है और बीच बीच में अपने शिक्षण विधियों का क्या है चेंज करते रहना है क्या पता किसी एक विधि से कुछ बच्चे सीख पाए किसी दूसरे विधि से कुछ और सीख पाए तो इन सभी चीजों को क्या करना आपको ध्यान देना है तो कह रहे भैया कि व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु होनी चाहिए शिक्षण विधियां होनी चाहिए शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए जिससे विषय को रोचक और सरलतापूर्वक समझाया जा सके आगे बढ़े अगला पॉइंट कह रहा है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत पूर्व ज्ञान का सिद्धांत यह कहता है कि अगर आप कुछ भी सिखा रहे हैं कुछ भी बता रहे हैं अगर आपको शेर के बारे में बताना है तो पहले बालक को बताइए बिल्ली जो घर में डेली देखता है फिर बताइए कुत्ते को फिर बताइए बकरी को इन सबका एग्जाम्पल दे के मतलब उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़ के भैया जैसे आपके घर में बिल्ली है जैसे आपके घर में कुत्ता है उसी तरह शेर के भी क्या होते हैं चार पैर होते हैं जैसे बिल्ली के दो कान है या कुत्ते को दो कान है उसी तरह क्या है शेर के भी दो कान होते हैं तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर जोड़ के अगर आप सिखाएंगे तो क्या जल्दी सीख पाएगा और उसे क्या धारण कर सकता है तो बच्चे को समझाने के लिए आप पहले उसके पूर्व ज्ञान का तो पहले पूर्व ज्ञान कब पता चलेगा आपको जब उससे क्या करेंगे अंत क्रिया करेंगे उससे बात विचार करेंगे विचार विमर्श करेंगे उनके अनुभव को जब जानेंगे तब न उसके बाद आप क्या करेंगे उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के आप क्या नई शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं तो भैया जब भी बच्चा विद्यालय में आए तो पहले उससे आप ये पूछिए कि वो क्या क्या जानता है बिल्ली जान रहा है कुत्ता जान रहा है तब तो उसको जोड़ के आप हाथी के बारे में बताइए शेर के बारे में बताइए बाघ के बारे में बताइए आप जो पूछेगा ने अभी पिछली क्लास में देखा ना कि कोयल को काला सम, का के, कोयल को काला कहने वाला बालक कौवे को भी क्या कहता है कौवे को भी क्या कहेगा कहेगा वो वो काला ही तो पूर्व ज्ञान था अब भाषा के आधार पर क्या करा आवाजों के आधार पर डिफरेंस किया ना तो इसी तरह भैया पूर्व ज्ञान का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे को जो भी आप ज्ञान देने वाले हैं या जो भी चीजें सिखाने वाले या पढ़ाने वाले हैं चाहे उसे पाठ्य पुस्तक से उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के उसके पाठ्य पुस्तक में समाहित करके अब उसको क्या करना है आगे बढ़ाना है तब वो क्या है ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से शीघ्रता से वो सीख पाएगा और क्या है? उसमें रुचि भी देते क्या है? उसमें रुचि भी वो दिखाएगा क्योंकि उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा है जो चीज हमको पहले से पता होता है उसमें हमारी थोड़ी रुचि होती है अगला पॉइंट अगला कार्य करके कर सीखने का सिद्धांत और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर दीजिए ताकि वो करके सीखें जब वो करके सीखेंगे तो उनके ज्ञान क्या है उनका जो सीखा हुआ अनुभव होगा जो उनका ज्ञान होगा वो अस्थाई होता है जब कोई चीज हम करके सीखते हैं तो लंबे समय तक क्या है हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है अस्थाई होता है जिसका हम दोबारा क्या है यूज कर सकते हैं या उसी अनुभव के अनुसार या उसी अनुभव के आधार पे कोई और कार्य हम करेंगे कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी कार्य आप कराना चाहते हैं तो पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जान लीजिए जब जान जाएंगे तो उसी के आधार पे जोड़ के उस कार्य को आगे बढ़ाइए वो काम नहीं कर पाएगा जो बच्चा साइकिल चला साइकिल चलाना जान रहा है वही बाइक चलाना सीखेगा उसको सीखने के लिए और क्या होगा आसान हो जाएगा ड्राइविंग के लिए अगर साइकिल जिसको चलाना आता है तो बाइक आसानी से चला लेगा और जल्दी सीख जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको पता है तो यही बात है भैया कि पूर्व ज्ञान से जोड़ के क्या है आपको आगे शिक्षा देनी है और करके सीखने पे जोर देना है कि अपने से स्वयं वो जब करके सीखेगा तो उसका ज्ञान क्या ज्यादा दिन तक अस्थायी रहेगा अगला पॉइंट प्रेरणा का सिद्धांत प्रेरणा मतलब हमने बताया था कि किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना उसे कहते प्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना कहलाता कर है मेरा प्रेरणा और, प्रे और एक होता है आंतरिक प्रेरणा और एक होता है बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा वो होता है जब हम किसी कार्य को अंदर से करने के लिए तत्पर हो और बाह्य प्रेरणा क्या होता है बाहर से दो थप्पड़ मारा जाए तब हम काम को करें या तो गाली सुनने के लिए मिले या तो थप्पड़ खाने के लिए मिले या तो क्या है डांट मिले तब हम किसी कार्य को करेंगे तो उसे कहेंगे बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा उसे कहेंगे जो हमें कोई कुछ ना कहे फिर भी हम अंदर से करने के लिए क्या हो बेताब हो परेशान हो तत्पर हो उसे क्या कहेंगे आंतरिक प्रेरणा तो प्रेरणा दो प्रकार की होती है एकांतरिक एक, एक बाह्य तो बच्चे को क्या करना है आपको ऐसे मोटिवेट करना है कि वो अंदर से करने के लिए उत्सुक हो उनके अंदर एक ये कह सकते उत्तेजना अंदर से हो कि हम इसको कब करें कितना जल्दी सीख लें तो आपको क्या करना है उसके अंदर आपको उसके अंदर क्या करना है उत्तेजना पैदा करना है प्रेरित करना है आपको अंदर से जब वो अंदर से प्रेरित हो जाएगा तो किसी कार्य को आसानी पूर्वक और बहुत कम समय में वो सीख लेगा ये कहलाता है प्रेरणा का सिद्धांत अगला क्या कर रहा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत अब जो भी उसके पाठ्य पुस्तक में चीजें पढ़ा रहे हैं उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है एनसीएफ इस पर बहुत जोर देता है अगला पॉइंट रुचि का सिद्धांत जब तक बालक का रुचि रहेगा नहीं तब तक भैया आप कितना भी बीन बजाते रहिए भैंस या आगे बीन बजाए भैंस अपना काम करती रहती तो वही हाल ही है कि जब तक बालक के अंदर रुचि नहीं होगी आप कितना भी समझाते रहिए पढ़ाते रहिए लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आएगा तो आपको पहले ध्यान देना है कि बच्चे की पढ़ने में रुचि है कि नहीं आज जिसमें उसकी रुचि होगी भैया उसमें क्या थोड़ा सा हेल्प करेंगे ना तो बहुत जल्दी सीख जाएगा जिसका मैथ में इंटरेस्ट है थोड़ा सपोर्ट करिए ज़्यादा सीखेगा साइंस में इंटरेस्ट है थोड़ा सपोर्ट करिए पता चला जिसको मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अब रात दिन रगड़ते रहिए सर दर्द होगा लेकिन समझ में नहीं आएगा तो आपको पहले छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना है उसको समझाना है उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के आपको बताना है जब उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के बताएंगे धीरे धीरे ना तो उसको इंटरेस्ट आएगा आप जोड़ना सिखाना तो कहेंगे भैया सुबह कितनी रोटी खाते हो चार रो, दो रोटी दोपहर में एक रोटी शाम को कितनी तीन रोटी कितना हो गया टोटल तो ऐसे वो काउंट करेगा तो फिर इसको लास्ट में आप बताइए कि इसको इसको कहते कहते हैं हैं योग जोड़ना रोटी खा रहा है उसको पता है गिनती उसको पता है लेकिन जोड़ना नहीं जान रहा है जोड़ना कब जानेगा जब जा उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के बताएंगे तब अब डायरेक्ट बता देंगे बताने प्लस का निशान है तो कुछ नहीं रटा रटा है काम नहीं आने वाला है आज की डेट में आपको क्या है वास्तविक जीवन को जोड़ के क्या शिक्षा देनी है जो उसके वास्तविक जीवन में फिर से काम आ सके तो आगे बढ़ते हैं ये तो था हमारा बाल केंद्रित शिक्षा बालक को केंद्र में रख के जितनी भी सारे काम किए जाएंगे सब क्या करेंगे बालक को केंद्र में रख के किया जाएगा अब बालक को किसी तरह से भैया परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी तरह से बालक को परेशानी हुई तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत अध्यापक भले परेशान हो जाए लेकिन बच्चे को परेशान नहीं करना है ना होना आप ना उसे डांट सकते हैं ना आप उसे मार सकते हैं ना आप उसके साथ क्या है कुछ भी ना उसे स्कूल से निकाल सकते हैं ऐसा कुछ भी आप नहीं काम करेंगे आगे बढ़े अगला हमारा है प्रगतिशील शिक्षा अगला क्या भैया प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील मतलब होता है लगातार बढ़ना प्रगति करना मतलब बढ़ना तो प्रगतिशील शिक्षा इसमें क्या कह रहा है कि जब जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियां अभिवृत्तियां इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका स्तर बढ़ मतलब कहने का सेंस ये जब बच्चे की इच्छा होगी जब बच्चे की रुचि होगी जब बच्चा उस चीज को चाहता होगा अगर उसके अनुसार आप पढ़ाएंगे तो उसे कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा वो आगे बढ़ेगा और जल्दी से जब जिस चीज में हमारी रुचि होती है अगर उसमें हमको सपोर्ट मिलता है तो उत्साह हमको और हमारा क्या बढ़ाया जाता है प्रोत्साहन मिलता है तो हम क्या है उस काम को और करने के लिए तत्पर होते हैं हमको अंदर से और एनर्जी मिलती है <coughs> जैसे मिल लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे अच्छा वाला तो मुझे क्या अंदर से और क्या है खुशी मिलेगी और हम अंदर से प्रेरित होंगे ताकि आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला के दें जैसे ए एक स्टेज पे स्टेज पे क्या होता है कोई डांसर है कोई नर्तिका है अगर नृत्य करती है या नृत्य करता है तो स्टेज के नीचे जो लोग बैठे हुए अगर तालियों से स्वागत करते हैं तो उनका क्या है उनका उत्साह बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है उनके अंदर और एनर्जी आ जाती है और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो ये होता है भैया प्रगतिशील शिक्षा अगला देखिए अब कह रहा है वास्तविक जीवन से जुड़ी सामाजिक शिक्षा को रोजगार आधारित हो मतलब जो वास्तविक जीवन है वास्तविक जीवन से जुड़ी सामाजिक शिक्षा जो रोजगार आधारित हो मतलब जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्या है रोजगार मिलना चाहिए कहने का सेंस ये है अगला कह रहा है शिक्षा का मूल्य डिग्री पर नहीं भैया शिक्षा का मूल्य डिग्री पे नहीं है उसकी उपयोगिता पे हम डिग्री ले क्या करेंगे हम डिग्री लेके क्या करेंगे जब उसका कहीं यूज ही ना हो तो भैया शिक्षा का मूल्य यह है कि जिससे हमको रोजगार मिले ना कि डिग्री क्या हम बी कर लिए एमएससी कर लें पी कर लिए आ हुआ कुछ नहीं उससे अच्छा तो कृषि वाला ना सही है उससे अच्छा कृषि में जो काम कर रहा है खेती बाड़ी किसानी वही सही है तो शिक्षा भैया ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार दे तो शिक्षा का सेंस ये है शिक्षा का मूल्य है कि डिग्री से नहीं है बल्कि उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है डिपेंड करता है कि इसका यूज कितना है हमारे जीवन के हमारे जीवन में हमारे दैनिक जीवन में या हमारे आने वाले समय में इस शिक्षा का क्या उपयोग है ये हमको पता होना चाहिए आगे बढ़िए विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है हाँ भैया विद्यालय क्या है समाज की प्रयोगशाला है जो सामाजिक का पाठ पहले बालक अपने घर में पढ़ता है तो प्राथमिक द्वितीय को हमने बताया कि वो विद्यालय में है तो विद्यालय में क्या है धीरे धीरे उसके समाज का क्या होता है निर्माण होता है तो ये कह सकते हैं विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है विद्यालय क्या है समाज की प्रयोगशाला है जहां पे उसको प्रयोग किया जाता है उसको सिखाया जाता है उसमें संशोधन होते रहते हैं प्रयोगशाला यही सारा चीज होता है ना आगे विद्यालय लघु समाज है विद्यालय क्या विद्यालय <coughs> लघु समाज है अगला देखिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ज्ञान की रचना करनी पड़ती है ज्ञान कोई माल नहीं है कि मार्केट में इसको हम खरीद के ला ले तो ज्ञान हमको आ जाएगा किताबें आपके पास कितना ही क्यों ना हो जब तक आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे जब तक नई चीजों का निर्माण नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर रचनात्मक सोच नहीं विकसित होगी जब तक आपके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं डेवलप होगा तब तक कुछ नहीं है तो भैया ज्ञान कर सकते हैं ज्ञान क्या है ज्ञान कोई प्राप्त नहीं करता कि नहीं कि हम चले गए मठ में या चले गए जो भी होता है ना ऋषि मुनि तो ऐसे नहीं कि आंख बंद करके अध्ययन कर रहे हैं तो बस ज्ञान आ गया अध्ययन भी करते हैं लोग आंख बंद करके तो उसमें किसी एक उद्देश्य के पीछे करते हैं तो ज्ञान ये कह सकते हैं ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं था कोई जन्म लिया तो ज्ञान उसके पास है जब बच्चा जन्म लेता है चाहे वो आपके घर में चाहे किसी और घर में सबके अंदर समान चीजें होती हैं बस उसका विकास उसका इन्वायरमेंट और उसके जो मां बाप के अनुवंशिक लक्षण हैं जिसको वंशानुगत कहते हैं चाहे उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी या किसी से उसके पीढ़ी से मिलता हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हो वो एक है और उसी का उसके अंदर जो भी चीज़ें विद्यमान होती हैं अगर जैसा इन्वायरमेंट मिलता है उस हिसाब से वो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं तो भैया ज्ञान को आप याद रखनी है कि ज्ञान की रचना करनी होती है ज्ञान प्राप्त किसी को नहीं होता है कि नहीं कि वो पी का लड़का है तो वो भी पी ही होगा ऐसा कुछ भी नहीं है वो मास्टर का लड़का है तो वो भी मास्टर होगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेहनत करेगा जो अध्ययन करेगा वो आगे बढ़ेगा बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ज्ञान क्या है कोई प्राप्त नहीं होता ज्ञान किसी को नहीं मिलने वाला है जो जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा जैसे बाबा साहब क्या कहते हैं कि विद्या वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा तो भैया ज्ञान की रचना की जाती है ज्ञान प्राप्त नहीं होता आगे बढ़िए कुछ भी हमेशा सत्य नहीं है इस पृथ्वी पर कुछ भी हमेशा सत्य नहीं है और अलग अलग लोगों का भी सत्य अलग अलग है मतलब कोई लोग का कोई भी पसंद कर सकता है ये चीजें क्या है सत्य है कोई कहेगा असत्य है कोई कहेगा सत्य है मतलब जो कहता है कि सत्य है तो उसे प्रूफ करने की कोशिश करता है तो कोई भी चीजें हंड्रेड परसेंट सत्य नहीं है तो सत्य जिसके लिए वो वो उसके नजरिए पे डिपेंड करता है 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 कि किस में ले रहा रहा तो उसको सत्य बोल अब कोई चीज हंड्रेड परसेंट गलत नहीं होती जो गलत कर रहा है तो उसके नजरिए पे डिपेंड करता है उसके अनुभव पे डिपेंड करता है उसके ज्ञान पर डिपेंड करता है उसके संज्ञान पर डिपेंड करता है कि उसे क्या चीजें पता है उसके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं, उसकी अवधारणा क्या है वो उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज को सही कर रहा है किस चीज को गलत कर रहा है या क्या पता कोई अपने धर्म के आधार पर सही बोल रहा हो या तो कोई क्या पता अपने लिंग के आधार पर सही बोल रहा हो या तो क्या पता, तो पता कोई अपने समाज के आधार पर सही बोल रहा हो तो ये कोई भी चीज हंड्रेड परसेंट सही नहीं होती ना हंड्रेड परसेंट गलत होती बस वो हमारे मानसिकता हमारे संज्ञान में या हमारे पूर्व ज्ञान में या जो हमारे पास अनुभव होता है जो हमारे पास ज्ञान होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या सत्य है क्या गलत है बातें समझ में आ गई आगे बढ़िया अगला हमारा भी है अगला प्रगति प्रगतिशील शिक्षा जीवन को ही शिक्षा मानती है प्रगतिशील शिक्षा जीवन को ही क्या कहती है शिक्षा मानती है अगला कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने करके सीखने प्रयोग द्वारा सीखने तथा प्रोजेक्ट द्वारा सीखने पर जोर देती मतलब प्रोजेक्टर द्वारा तो मिला जुल करके सीखने पर क्या करती जोर देती प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जॉन डीबी अमेरिका के लैब में प्रोग्रेसिव विद्यालय की स्थापना की कहा भैया अमेरिका में प्रोग्रेसिव ठीक है विद्यालय की स्थापना की है अब इसमें अब इसमें होता क्या है जॉन डीबी जो है ना कि जॉन डीबी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रणाली कहा है क्या बताया है शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रणाली बताया है पहला क्या बना है टीचर दूसरे को अध्यापक तीसरे को पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम अध्यापक क्या होता है स्वतंत्र होता है अध्यापक स्वतंत्र चर है जबकि बालक क्या आश्रित है किस पे आश्रित है भैया डिपेंड है किस पे डिपेंड है अध्यापक के ऊपर डिपेंड है और पाठ्यक्रम क्या है मध्यस्थ मतलब ये जोड़ने वाला है <coughs> तो किताब एक ऐसा साधन है या ऐसी चीज है जो अध्यापक और स्टूडेंट मतलब अध्यापक और विद्यार्थी को जोड़ने का काम करता है तो इसे मध्यस्थ कहा गया है तीन चार होते हैं जॉन डीबी के अनुसार पहला है अध्यापक दूसरा विद्यार्थी तीसरा पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक का काम होता है अध्यापक और विद्यार्थियों को जोड़ना इनके बीच की कड़ी होती है जो इनको जोड़ के रखती है और अध्यापक क्या होता है स्वतंत्र होता है लेकिन जो विद्यार्थी होता है क्या है वो डिपेंड होता है किस पे वस्तु पे भी डिपेंड रहेगा किताब पे भी और अध्यापक पे भी डिपेंड रहेगा आगे बढ़िए इसमें बालक की रुचि पूर्व ज्ञान क्षमता के अनुसार सिखाया जाता है ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं आइए भारत भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है गीजू भाई को भारत में गीजू भाई को अमेरिका में जॉन डीवी ठीक है भारत में गीजू भाई और अमेरिका में जॉन डीवी अब ये भैया फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत अब आते हैं हम लोग क्या फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत मनोलैंगिक मतलब मानव के लिंग के आधार पर क्या चीजें कही गई हैं उसके बारे में बात करना है तो देखिए इसके पांच अवस्था होती हैं कितनी अवस्था होती है, है भैया पांच अवस्था एक होता है मुख्य अवस्था जो जीरो से एक वर्ष होता है मुख्य अवस्था का मतलब जब बालक जीरो से एक वर्ष का होता है तो बस भूख लगने पर क्या है एक्टिविटी करता है रोना चिल्लाना हाथ पैर पीटना तो क्या हो गया ये मुखी अवस्था होगी अब जैसे बच्चा गुदी अवस्था में आता है जिसको एक से तीन वर्ष का जाता है और इस अवस्था में बालक क्या है जब बालक को पेशाब लगता है जब बालक को बाथरूम जाना होता है जब टॉयलेट बाथरूम जाना होता है तब ये क्या करता है आवाज करता है चाहे रोना चिल्लाना बुलाना ये काम करता है कब एक से तीन अवस्था इसको क्या बोलते हैं गुदी अवस्था तीसरा हमारा है लिंगी अवस्था ये तीन से छह वर्ष होता है लिंगी अवस्था तीन से छह वर्ष होता है इसमें समलिंगियां मतलब लड़का लड़कों के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ इसमें समलिंगी ईस्या होती है एक लड़की दूसरों को नहीं देखना चाहेगी दूसरी लड़की दूसरे को नहीं दिखना चाहेगी उसी तरह लड़का भी एक क्या एक दूसरे को देखना नहीं चाहते जब वो तीन से छः वर्ष के होते हैं तब इसे कहेंगे समलिंगी ईस्या अगला है सुप्तावस्था सुप्तावस्था छह से बारह सक सा बारह साल का होता है और इसमें क्या होता है कि समान समान लिंग वाले मतलब लड़के लड़कों के साथ दोस्ती और लड़कियां लड़कियों के साथ मतलब एक समूह में रहते हैं लड़कों लड़कों के समूह में लड़कियां लड़कियों के समूह में रहते हैं इसे कहते हैं सुप्तावस्था अगला है ज्ञान अवस्था इसमें बया विषमलिंगी प्रेम होता है ये बारह से बीस वर्ष तक चलता है तो आज हमने क्या पढ़ा बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा और फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत तो उम्मीद करता हूं दोस्त आज आप लोग को बेहद तरीके से समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आए चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भैया धन्यवाद